So, good morning students. Today we are going to start our next topic, that is oxides of nitrogen. Yesterday in the last lecture we have discussed the properties of ammonia, preparation of ammonia, different physical and chemical properties of ammonia. So yesterday we have completed ammonia and today we are going to start with the oxides of nitrogen. So this is our topic, oxides of nitrogen. And among the oxides of nitrogen, the first oxide is nitrous oxide. Kya hai first oxide? Nitrous oxide. Name of this oxide is nitrous oxide. And as far as chemical formula is concerned, its chemical formula is N2O. ठीक है? तो जो N2O है, this is also named as what? Nitrous oxide. दूसरा नाम क्या है इसका? Nitrous oxide. And this is also known as laughing gas. This is also known as laughing gas. इस गैस को और क्या बोलते हैं? Laughing gas भी बोलते हैं, कि जो ऑक्साइड है, gaseous oxide है, ठीक है? And this is also known as laughing gas. इस गैस को और क्या बोलते हैं? Laughing gas. ठीक है? So first of all हम जो यहाँ पे discuss करेंगे, here we shall discuss the preparation of this nitrous oxide. So this nitrous oxide can be easily prepared by the reaction of the thermal decomposition of ammonium nitrate. Ammonium nitrate की अगर decomposition carry out करेंगे, देखो ये एक nitrogen, दो nitrogen होगी और यहां से एक oxygen. क्या बन जाएगा? N2O. Nitrous oxide form हो गया. तीन ऑक्सीजन थी, अब कितने ऑक्सीजन बची? दो ऑक्सीजन और यहाँ पे चार हाइड्रोजन हैं, सो इट विल फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. क्या बन जाएगा साथ में? वाटर फॉर्म हो जाएगा. सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. एज फॉर एज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नाइट्रस ऑक्साइड आर कंसर्न्ड, सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया ये कौन सी गैस है, लाफिंग गैस भी इसको बोलते हैं. सो If it is inhaled in smaller quantity, अगर इस गैस को smaller quantity में हम inhale कर देते हैं, then what will happen? It will produce hysterical laughing. क्या produce करेगी? Hysterical laughing जो है ये produce करेगी. ठीक है? So it can produce hysterical laughing. And as far as other reactions are concerned, so this nitrous oxide can be used in the preparation of सोडियम अजाइड. ठीक है, सोडियम अजाइड की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है. व्हेन दिस नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज ट्रीटेड विद सोडा अमाइड NaNH2. नाइट्रस ऑक्साइड को किसके साथ ट्रीट किया? सोडा अमाइड के साथ ट्रीट किया एंड इट विल फॉर्म NaN3. दिस NaN3 इज व्हाट? This is sodium azide and another product which will form here ammonia and sodium hydroxide. And you can balance the equation. The balanced equation will be okay. So अगर balanced equation की बात करें तो 2NaNH2 के साथ ही reaction होगा. And because you can observe एक sodium का atom यहाँ पे present है, एक sodium का atom यहाँ पे present है, तो दो sodium के atom होगी. यहाँ पे मैंने 2 से multiply कर दिया. ठीक है, बाकी नाइट्रोजन काउंट कर सकते हो. 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, 2 नाइट्रोजन ये टोटल हो गए 4, 3 यहाँ पे है, एक अमोनियम है, 4 नाइट्रोजन एटम. बाकी अगर हाइड्रोजन की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास है 2 × 4 हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे है, एक यहाँ पे हम, ठीक है, और ऑक्सीजन एक ही है. तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगी. और क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? सोडियम अजाइड जो है वो फॉर्म हो रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो इन स्मॉल क्वांटिटी दिस नाइट्रस ऑक्साइड एक्ट्स एज एन एनेस्थेटिक एजेंट. एनेस्थेटिक एजेंट इन माइनर ऑपरेशंस. माइनर ओटी जो होते हैं, स्मॉल स्केल पे जो ऑपरेशन थिएटर्स में डिफरेंट सर्जरीज जो है वो की जाते हैं, तो उनमें जो है ये ओरल सर्जरी के लिए भी जो है ये N2O जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है एज एनेस्थेटिक एजेंट. एनेस्थेटिक एजेंट एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं. एनेस्थीसिया इज व्हाट?
अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए जो है, जैसे ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट को जो है वो बेहोश करना पड़ता है, सो एनेस्थीसिया, उस कंडीशन को एनेस्थीसिया बोलते हैं, और ये क्या एक्ट करता है, एज एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, ये गैस जो है। और अगर बात करें डिकम्पोजिशन की, सो जो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इट कैन अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन एट 573 केल्विन। 573 केल्विन पे जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, इट कैन डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर तो 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के आ जाएंगे। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का बन जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे दिस नाइट्रस ऑक्साइड कैन अंडरगो डिकम्पोजिशन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑक्साइड जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो ऑक्साइड है हमारे पास, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO। क्या फॉर्मूला है नाइट्रिक ऑक्साइड का? NO। पहले जो हमने स्टडी किया वो क्या था? नाइट्रस, और ये क्या है? नाइट्रिक। ठीक है, सो अगर हम इसकी प्रेपरेशन की बात करें, प्रेपरेशन ऑफ दिस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सो अमोनिया से प्रिपेयर किया जा सकता है, 4NH3 प्लस O2। ठीक है, कितने O2 आएंगे वो हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, 4NH3 प्लस O2, 4 and 6, 10 मींस 5 O2 आ जाएगा यहाँ पे। सो 4NH3 प्लस 5 O2, 1100 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, इट विल फॉर्म 4NO, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड। अनदर मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज फ्रॉम कॉपर, 3 एटम्स ऑफ कॉपर आर अलाउड टू रिएक्ट विद 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नाउ एज फॉर एस द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड आर कंसर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ कलरलेस गैस। विच टाइप ऑफ गैस इज दिस? कलरलेस गैस, एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यस, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एंड इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर इन गैशियस स्टेट में क्या है ये? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। व्हाई? अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में इट विल एग्जिस्ट एज अ डाइमर, इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है एज अ डाइमर, एंड इसका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है, इट विल चेंज इनटू डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। इसका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि जैसे ही पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जब हो तो एसोसिएटेड होता है किसके साथ? विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इफ द इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड, देन व्हाट विल हैपन? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0, एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर विल चेंज इनटू व्हाट? डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक नेचर। ठीक है, तो जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में इसमें क्या होता है, ये डाइमर फॉर्म कर देता है, और डाइमर फॉर्मेशन में क्या होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड अप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इसका जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो लूज हो जाता है, इट विल चेंज इनटू व्हाट? इट विल चेंज इनटू डायमैग्नेटिक। ठीक है, इट एग्जिस्ट एज डाइमर इन सॉलिड स्टेट, एंड इन सॉलिड स्टेट it is diamagnetic
डायमैग्नेटिक इन नेचर. क्लियर? ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत बार ये पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट. सो इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. सो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये गैशियस स्टेट में जो है, गैशियस स्टेट में तो होता है पैरामैग्नेटिक, और सॉलिड स्टेट में जो है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो किस तरह का नेचर हो जाता है इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाता है? इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है. सो आगे इसके रिएक्शन जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड को ट्रीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, देन इट विल चेंज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2, अनदर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. एंड अगर हम ट्रीट कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, देन इट विल चेंज इनटू NOCl, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NOCl विल फॉर्म, दिस इज नोन एज नाइट्रोसाइड, नाइट्रोसाइल क्लोराइड. This is nitrosyl chloride and this is nitrogen dioxide. So, इस तरह से react करेगा oxygen के साथ और chlorine के साथ. ठीक है. So students, next अगर हम इसी का thermal decomposition reaction जब study करें, ordinarily under ordinary condition it will not undergo decomposition, but high temperature is required. At high temperature, at 1400 to 1473 Kelvin, it will undergo decomposition and it will form nitrogen and oxygen. Nitrogen और oxygen में जो है ये decompose हो जाएगा. So balance कर लेते हैं ये equation को. Two molecules लेके चल रहे हैं. One molecule किसका बन जाएगा? Nitrogen का. और one molecule ही ये gaseous state में present होंगे. ठीक है. ये भी gaseous state में present है, तो it can undergo decomposition and अपॉन डिकम्पोजिशन इट कैन फॉर नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. सो ऑल दीज आर द रिएक्शंस ऑफ दिस नाइट्रिक ऑक्साइड. एंड नेक्स्ट जो हमारे पास ऑक्साइड है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और उसकी प्रेपरेशन देखो, यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है प्रेपरेशन, 2NO+O2 गिव राइज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्रेपरेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. वी हैव लेड. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑक्साइड इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. वी हैव PbNO3 twice. This molecule is lead nitrate and it is undergoing decomposition. It will form lead oxide plus NO2 plus O2. ठीक है. बैलेंस करोगे इस इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना लेड हो गए? 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. बाकी नाइट्रोजन का नंबर देख लो, 2 2 2 2 4 4 यहाँ पे आके. बाकी ऑक्सीजन को आप देख सकते हो, 3 2 6 2 12, 2 4 2 8 एंड 2 10 एंड 2 12. बैलेंस है ये इक्वेशन. इसी तरह से एक और रिएक्शन जो इसकी प्रेपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है, दैट इज इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4. N2O4 इज अ डाइमर ऑफ NO2. जो N2O4 है वो डाइमर है NO2 का, और अगर इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2. ठीक है. ये गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है. ये भी जो है NO2 जो है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गैशियस स्टेट. ठीक है. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस NO2. ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो प्रेजेंट है, और ये इक्विलिब्रियम में जो वो एग्जिस्ट करता है. मीन्स NO2 जो है, इट विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद N2O4, और ये डाइमेरिक फॉर्म में क्या हो सकता है? ये चेंज हो सकता है. ठीक है. और अगर बात करें NO2 की, NO2 इज कॉमनली प्रेजेंट इन एयर पॉल्यूटेंट. जितने भी हमारे पास पेट्रोल, डीजल
यूज करने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं, तो ये NO2 जो है ये हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट होता है पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में, और ये मैक्सिमम जो है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए नाइट्रोजन का ये जो ऑक्साइड है ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है फॉर द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये गैस जो है रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, व्हीकलर एग्जॉस्ट से जो है ये गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑक्साइड है हमारे पास N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको यहीं पे बता दूं, दिस इज आल्सो नोन एज अ ब्लू कलर्ड ऑक्साइड। इसको और क्या बोलते हैं, ब्लू कलर्ड ऑक्साइड। ये जो है ये ब्लू कलर्ड ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। ठीक है, ये NO गैस प्लस NO2 गैस इट विल चेंज इनटू N2O3 गैसियस स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे भी 2NO प्लस N2O4 इट विल फॉर्म 2N2O3। सो दिस इज N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड इट इज अ ब्लू कलर्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। किस तरह का ऑक्साइड है ये, ब्लू कलर्ड ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। ठीक है, एज फॉर एज इट्स प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, सो डिफरेंट रिएक्शंस आर देयर ऑफ N2O3, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ N2O3। सी, सो अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो N2O3 को जैसे वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, वाटर के साथ जैसे ट्रीट किया तो ये चेंज हो जाएगा नाइट्रस एसिड में, क्या फॉर्म करेगा ये नाइट्रस एसिड। बैलेंस कर सकते हो, दो नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2HNO2 3 एंड 1 ऑक्सीजन कितने हो गए 4। ठीक है, बैलेंस है इक्वेशन। देयर आफ्टर अगर हम N2O3 को अगर इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन पे ये चेंज हो जाएगा अपने कंस्टिट्यूएंट्स में, जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा था इसी का रिवर्स हो जाएगा, NO प्लस NO2 में ये चेंज हो जाएगा अपॉन इट्स डिकम्पोजिशन। सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज आर रिएक्शन ऑफ दिस N2O3। N2O3 इज अ ब्लू कलर्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, एंड जैसे अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हमने कैरियोट की तो क्या बन रहा है, नाइट्रस एसिड बन रहा है। ठीक है, और अगर इसकी डिकम्पोजिशन कैरियोट की तो क्या बना हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड बना और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, दैट इज डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड N2O5। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज N2O5। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑक्साइड है दैट इज N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटोक्साइड। अगर हम प्रेपरेशन की बात करें तो मेरे पास ये नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को ट्रीट किया किसके साथ, P410 के साथ, फॉस्फोरस का ऑक्साइड है पेंटोक्साइड। तो यहां से हमारे पास बन रहा है N2O5 प्लस 4HPO3। ठीक है, एंड दिस HPO3 इज वॉट, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये जो HPO3 है ये क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, और जो N2O5 है 273 केल्विन पे अगर देखें तो ये भी जो है किस तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये भी जो है हमारे पास कलरलेस गैस है, कलरलेस जो है कलरलेस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम आगे अगर देखें जैसे हायर टेम्परेचर करते हैं तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोज होने की वजह से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, ये येलो कलर में जो है वो चेंज हो जाता है, और इसके पीछे रीजन क्या है, इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। सो N2O5 इट विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग इनटू, इट विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 आर फॉर्म प्लस O2। सो इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, और डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने की वजह से अब ये जो NO2 है ये तो है ब्राउन कलर का। ठीक है, और इसकी वजह से, और ये जो था ये कलरलेस था। ठीक है, N2O5 जो था कलरलेस था, तो इसकी वजह से जो है जो कलर है येलो कलर जो वो इम्पार्ट करता है ये N2O5, क्योंकि इसमें पार्शियल डिकम्पोजिशन हो चुकी होती है, तो उसकी वजह से ये येलो कलर का जो है वो अपीयर होता है। ठीक है, और जो इसकी प्रॉपर्टीज है और रिएक्शन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने N2O5 है इसकी हाइड्रोलिसिस कैरियोट कर दी, N2O5 जो है अगर मैं इसको वाटर के साथ जैसे ट्रीट कर रहा हूँ, तो जैसे वाटर के साथ ट्रीट किया तो इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या फॉर्म कर रहा है ये, नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, N2O5 जो है वो वाटर के साथ जैसे रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डिफरेंट ऑक्साइड जो हमने पढ़े उनके स्ट्रक्चर्स की बात अगर करें
तो N2O जो नाइट्रस ऑक्साइड था हमारे पास, उसके केस में अगर देखें तो स्ट्रक्चर किस तरह का आएगा, लीनियर स्ट्रक्चर आएगा। किस तरह का स्ट्रक्चर है ये? लीनियर स्ट्रक्चर है, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है, शॉर्टर है, 113 पिकोमीटर की है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो कितनी है, 119 पिकोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने ऑक्साइड स्टडी किया डाइमर, जिसको हमने बोला था NO, ठीक है, NO जो है वो N2O2 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये सिंगल अगर एग्जिस्ट करता तो पैरामैग्नेटिक था, डाइमर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाता था, वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। यहाँ पे एन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 238 पिकोमीटर होगी, और NO नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कितनी होगी, ये 115 पिकोमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम NO2 की, तो NO2 मॉलिक्यूल जो है ये किस तरह का आ जाएगा, ये एंगुलर है। किस तरह का मॉलिक्यूल है, किस तरह का मॉलिक्यूल है, एंगुलर है। यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो 134 डिग्री है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात करें, एवरेज बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये 120 पिकोमीटर की है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज N2O3। N2O3 ब्लू कलर का ऑक्साइड आपको बताया था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ये जो है 114 पिकोमीटर की है, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो 121 पिकोमीटर की है, ये एंगल जो है वो 130 डिग्री का है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑक्साइड था N2O5, ठीक है, N2O5 के केस है ये जो ब्रिजिंग में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, दिस इज 112 डिग्री एंड 134 डिग्री ये बॉन्ड एंगल है। और यहाँ पे अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की अगर बात की जाए तो ये बॉन्ड लेंथ जो किस ऑर्डर की है, 151 पिकोमीटर की है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, दीज आर इजी टू ड्रॉ। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो इजिली आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हो कि जो भी आपके पास ऑक्साइड है उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे N2O5 है तो नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, साइमल्टेनियसली एक ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये ब्रीचिंग में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगी। सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5, सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ N2O3। NO2 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, NO का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ये मैंने डायमेरिक स्ट्रक्चर जो है शो कर रखा है, और ये लीनियर स्ट्रक्चर किसका है, ये N2O का है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टू as far as the oxides of nitrogen are concerned. So after this we will start our next topic, that is preparation of nitric acid. Inhi oxide se hum kya prepare karenge, nitric acid prepare karenge, aur us nitric acid ki kya kya properties hain, kya kya reactions hain, wo different reactions jo hai wo hum discuss karne ja rahe hain. So students, nitric acid एंड फॉर्मूला इज HNO3। तो सबसे पहले हम इसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेपरेशन, और प्रेपरेशन हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रॉम द सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट को मैंने ट्रीट किया H2SO4 के साथ। किसके साथ ट्रीट किया? H2SO4 के साथ। स्टूडेंट्स, NaNO3 को ट्रीट किया मैंने किसके साथ? H2SO4 के साथ। ठीक है, H2SO4 के साथ ट्रीट करने से यहां पे जो फॉर्म हो रहा है NaHSO4 प्लस HNO3। ठीक है, देखो Na पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। जो HSO4 नेगेटिव स्पीशीज है वो सोडियम के साथ एरेक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? NaHSO4। और यहाँ पे जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट आयन है वो H पॉजिटिव आयन के साथ एरेक्ट करके क्या फॉर्म कर दे रहे हैं? नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक और लेबोरेटरी मेथड जो कमर्शियल प्रेपरेशन जो कंसर्न है नाइट्रिक एसिड की, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरह से कमर्शियली जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो प्रिपेयर होता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेथड है, अमोनिया को ट्रीट किया जैसे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ ट्रीट करें तो
हमारे पास फोर मोलर है नाइट्रिक ऑक्साइड, फोर मॉलिक्यूल्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, जो एनर्जी लिबरेट हो रही है इस प्रोसेस में दैट इज -90.2 किलो जूल। इसके बाद जो भी हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको ट्रीट किया किसके साथ, O2 के साथ, 2NO2 फॉर्म हो रहा है, जो 2NO2 फॉर्म हो रहा है फर्दर अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हम फॉर्म करेंगे, हाइड्रोलिसिस अगर कैरियोट करेंगे तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाएगा और ये कैटालिटिक अमाउंट का जो है वो रह जाएगा हमारे पास। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो एसिड है डेफिनेटली इट विल रिलीज एच पॉजिटिव आयन, hence it will be acidic in nature. So we have studied different concepts of acids, that the species which can release H positive ions behave as acid. So jo nitric acid hai, it can ionize, it will ionize into H positive and NO3 negative species, so it will be acidic in nature. And as far as other properties are concerned, so we will discuss all the chemical properties one by one, theek hai. So students, here we are going to discuss the physical properties of a nitric acid. So as far as the physical properties of nitric acid are concerned, its first physical property is pure nitric acid, pure HNO3 is a colorless liquid. Jo pure nitric acid hoga wo kis tarah ka liquid hoga, it will be a colorless liquid, theek hai. Here I am talking about the pure nitric acid. किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्योर नाइट्रिक एसिड की बात कर रहा हूँ। प्योर नाइट्रिक एसिड जो है वो किस तरह का लिक्विड होगा, इट विल बी अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्योर नाइट्रिक एसिड विल बॉइल एट 355.6 केल्विन, ठीक है। कितना इसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रिक एसिड इज 355.6 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, अगर हम लो ग्रेड नाइट्रिक एसिड की बात करें, लो ग्रेड नाइट्रिक एसिड जो कॉमनली लेबोरेटरी पर्पज के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। तो जो लो ग्रेड नाइट्रिक एसिड होता है दैट इज 68% बाय मास, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इम्प्योर एसिड की अगर बात करें, इम्प्योर नाइट्रिक एसिड की बात करें अगर हम, सो इम्प्योर नाइट्रिक एसिड विल टर्न येलो। इम्प्योर नाइट्रिक एसिड का जो कलर है वो किस तरह का हो जाता है, येलो कलर हो जाता है, और येलो कलर जो है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है। जो NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वो फॉर्म होता है और उसकी वजह से इसका कलर जो है वो किस तरह का हो जाता है, येलो कलर जो है वो इम्पार्ट करता है इम्प्योर नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इम्प्योर नाइट्रिक एसिड को येलो कलर कौन इम्पार्ट करता है, NO2, ठीक है। NO2 की फॉर्मेशन की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। एंड इट इज कोरोसिव इन नेचर, जो नाइट्रिक एसिड है दैट इज कोरोसिव इन नेचर। अगर हम कोरोसिव नेचर की बात करें, अगर स्किन के ऊपर अगर ये जो है अगर स्प्रेड होता है, सो इट कैन प्रोड्यूस ब्लिस्टर्स, इट कैन प्रोड्यूस ब्लिस्टर ऑन द स्किन, दैट इज वाई इट इज कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। ये ब्लिस्टर प्रोड्यूस कर सकता है स्किन के ऊपर, इसीलिए किस तरह का बोलते हैं इसको, कोरोसिव नेचर होता है इसका। किस तरह का नेचर होता है इसका, कोरोसिव नेचर होता है, ठीक है। सो नाइट्रिक एसिड इज कोरोसिव इन नेचर एंड इट कैन प्रोड्यूस ब्लिस्टर ऑन द स्किन। सो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप द अदर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां तक होगी। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है।